विवादों की सुर्खियों में चल रहा जोगी नवादा फिर विवादों की सुर्खियों में घिर चुका है। बरेली शहर के थाना बारादरी में मोहल्ला चक महमूद मौर्य गली जोगी नवादा में आज फिर कावड़ यात्रा को लेकर बवाल हो गया। पूरा मामला इस तरह है कि बरेली शहर के थाना बारादरी क्षेत्र चक महमूद जोगी नवादा में कावड़ यात्रा को निकालने से दो समुदाय के लोगों में विवाद हो गया। मामला शांत कराने में शासन को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। शासन को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े ताकि किसी तरह से मामला शांत हो सके। पूरे मोहल्ले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सभी आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बरेली से रविंद्र सिंह की रिपोर्ट। आप मान गए थे आपकी बात पे हम उसको अच्छे से वार्ता कर रहे हैं, उसके बाद भी आप यहाँ ड्रामा करा रहे हैं। सुबह से अनावश्यक मत करिए, बहुत ज्यादा हो गया ये चीज। सारे लोगों को समझाइए, उसमें दारू दो चार लोग पी के और यहाँ हंगामा करके बवाल खड़ा कराने के चक्कर में है। कल से बात हो रही है आप लोगों से, बार्गेनिंग कर रहे हैं सुबह से। जो आप लोगों ने कहा वो मान के उधर से बात करके आ गए, सारी तैयारी हो गई, उसके बाद नया एक चीज कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जो भी आवाज सुन रहे हैं, कुछ लोग छतों पे भी हैं, सारे लोगों की फोटो वीडियो हो रहा है, फिर ये मत कहिएगा कि इसमें निर्दोष लोग फंस रहे हैं क्या है। इसलिए कृपया आप लोग यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे अराजकता उत्पन्न करने की स्थिति नहीं है। अभी ये तय हुआ है कि आपकी गाड़ी प्रशासन बाहर निकालेगा। यहाँ पे संगठन के दो चार लोग गाड़ी के साथ जाएंगे, पीछे से अपना ओम नमः शिवाय जो भी चुपचाप आप लोग निकल जाएंगे। अभी की व्यवस्था ये है, इस बात पे जिनकी सहमति हो वो यहाँ पे रहे। कि वो क्या करेगा उसके बदले में, वो अपने घर जाएगा या आएगा हुनर काटेगा। तो घर जाइए, क्यों घर जाइए? अगर घर नहीं जाओगे आप तो हर किसी के संयम की एक सीमा होती है। हो सकता है आप लोग मुझे गद्दार समझे, मुझे बलन समझे, लेकिन मेरी मजबूरी है भैया। कांवर जाएगी, कांवर होगी रद्द। महान जी कह रहे हैं कांवर नहीं जाएगी। सब शांति से बैठ जाओ, सब शांति बैठ जाओ। बीजेपी कांवर नहीं जाएगी, हम चलेंगे सर। तो यही लोग बुलाएंगे, सब बुलाएंगे। अरे भाई क्या, अरे हम वो सब सब बुलाएंगे, रास्ते में ले जाऊंगा। पहले डीजे तो निकलवा, सुन दो लो, अभी तो खुद चले जाए, सुन दो लो पहले। मामा से बात करो, सुनो आप, सुनो आप जो कह रहे हो, पहले ये निकलो, आप किसी बात पे ठहर रहे हो? आपने ट्रॉली ट्रैक्टर आने के बाद ट्रॉली निकलने का मौका दिया किसी को? ट्रॉला आया कब सर? अरे फिर बात कर रहे हो, ट्रॉला अभी आ रहा है, आप रोको तो इनको। हम सबको रोक लेंगे, ऊपर चलो, आपने मौका दिया भाई। ये लोग गए दूसरे पक्ष से बात की, थोड़ा उन्हें कंट्रोल करना पड़ता, झगड़ा ना हो जाए, दोनों रोकना प्रशासन को। आप मौका नहीं दे रहे बिल्कुल, ट्रॉली आए ट्रैक्टर आए, रुकने मौका दोगे नहीं दोगे? हम ये चाहते हैं निकालो, है ना? तो अभी मान लो हमारा धीरे बंद होकर जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम बहुत सकते हैं इतनी बात के लिए आप मेरी इसराइल में मान लो परम्परा भी हमारी हमारी कब निकलने देंगे, हमारी कल निकलेगी, क्या करते प्रशासन बुला के? अगर यहाँ ऐसे है ना तो कल को आप यहाँ निकलोगे ना तो टोपी यहाँ निकलोगे। ऐसे ही माहौल है,
आप करें, प्रशासन करे, विवाद नहीं हुआ, विवाद की बात ना करें आप, विवाद कहाँ हुआ सर? अच्छा प्रशासन का कोई व्यक्ति बताया सर विवाद हुआ है? अच्छा आज जो हुआ सर, सर मेरी विवाद नहीं हुआ, आज जो भीड़ इतनी जो भीड़ है वो हमारे कारण की है, कारण कुछ नहीं है, कारण सिर्फ रास्ता रोकने का है। आपसे, आपके प्रशासन से और सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप रास्ता खुलवाएं। आखिर रास्ता क्यों रोका? अगर रास्ता हमारे लिए बंद है तो हमारी आप वही औलाद के लिए बंद है। मेरा बेटा 8 साल का है, अगर ये मसला रहा वो भी 10 साल में जाकर लड़ाई करेगा। ये वैध तरीके से निकाल रहे हैं आप? क्या नहीं, नहीं नहीं, ये वैध तरीका है प्रशासन का। कोई भी प्रशासन का व्यक्ति अगर ये कह देगा अवैध तरीका है, हम अभी यहाँ से नहीं जाएंगे। वैध तरीका है, अवैध तरीका नहीं है। अवैध तो तब होता सर नए रास्ते पे जा रहे होते। यहाँ पर प्रशासन मौजूद है, प्रशासन इस बात को हमारा क्या कह रहा है? प्रशासन तो साथ ही नहीं दे रहा सर। प्रशासन साथ देता, अगर प्रशासन साथ देता तो पता चलना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। प्रशासन तो तब कहेगा जब हम गलत कर रहे हो। कोई एक व्यक्ति इस भीड़ में से आप निकाल दो जो कलेश करने वाला हो, जिसके नाम पे कोई दंगा हो। एक व्यक्ति अभी तक कोई निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकल रहा होता था सुबह से। प्रशासन का कहना यही है, हम बात कर रहे हैं सर, किस टाइम तक बात करेंगे? एक कांवरिया को 80 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। साहब हमारी कांवर निकल जाती है, हर साल खुलवा दो, इसे खुलवा दो, रद्द करवा दो। अच्छा ये कांवर नहीं निकलने दे रहे हैं इस वजह से? हाँ हाँ जी जा रहा साहब, बस हर साल जाती है, हर साल डीजे लगते हैं। प्रशासन का कहना, डीजे बचते भी हैं इस साल, क्यों ऐसा हो गया? रुको रुको रुको, प्रशासन का कहना यह है पहले हम डीजे निकालेंगे, बंद तो जाओ ताजिए निकालने को ताजिए निकाल सकते। प्रशासन का कहना है हम डीजे बंद करके निकालेंगे, हम डीजे बंद करके नहीं निकालेंगे। आप ये बताओ उनका ताजिया बंद होके गया था? चुपचाप गए थे सारे, उन्होंने नारे लगाए, सारे ताजिए निकले, सारे ढोल निकले थे, हमने रोका। कोई भी उस पक्ष के व्यक्ति बुला लाओ, अगर कोई कह दे किसी भी हिंदी व्यक्ति को रोका, मतलब कांवर नहीं देना चाह रहे तो मतलब। सुनो मेरा नाम मोहित है, आप सीधा सीधा ये समझे कि अगर कोई भी गड्ढा ताजिया के लिए 3 दिन पहले करा गया है उसे पाटना चाहिए। आपके किसी भी समुदाय के व्यक्ति को ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया, क्यों? त्यौहार आपका भी है, त्यौहार हमारा भी है। अगर हमारे त्यौहार पे कांवर नहीं निकले क्यों नहीं निकलने दिया रही? कोई भी दंगा ही आपको दिखता हो आप उसे उठा के एक तरफ करो, कोई व्यक्ति आपको परेशानी करने वाला दिखे उसे एक तरफ करो। आपको लगता है भीड़ कम जानी चाहिए? कम जाएगी, बशर्ते डीजे कुछ बजेगा, बच के ही जाएगा। अगर आपको लगता है कि लड़ाई का रास्ता है तो ये रास्ता यहाँ से हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, वो हमारे यहाँ ना आए, हम उनके ना आए। बस हम इतना चाह रहे हैं, जाएंगे तो इसी रास्ते जाएंगे, वरना कांवर नहीं जाएगी, ये कहने का मतलब है। चाहे आपका प्रशासन कोई भी सुनना चाहे, यह सुनना चाहे या ना सुनना चाहे, अगर उन्हें प्रशासन का कहना यह है, एक सेकंड भाई लोग, प्रशासन का कहना यह है कि डीजे बंद हो के जाएगा। हम अगर 1000 रुपए अपने त्यौहार पे अपने शौक के लिए खर्च कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा ना कर रहे हैं किसी कहने पे दबा लेंगे। आप साफ मना कर दो कि आप डीजे नहीं बजाओगे, सरकार मना कर दे हम नहीं बजाएंगे। अगर सरकार का आदेश है तो बजेगा, कांवर इसी रास्ते जाएगी, अन्यथा रास्ता बंद करा जाए। महंत जी अगर जो कह रहे हैं ना, तो महंत जी ने कहा कांवर नहीं जाएगी तो कांवर नहीं जाएगी, लेकिन उनका भी कोई भी जुलूस नहीं जाएगा। प्रशासन को आपसे नहीं, पहले सोमवार से सूचना है, यहाँ से जो काम 10 साल से हो रहा है उसे इस साल बदलेंगे थोड़ी ना। जो व्यक्ति यहाँ पैदा हुआ यहीं मरा उसके लिए कोई रास्ता थोड़ी ना बदल जाएगा। इसी जन्म इसी जमीन पे पैदा हुआ, इन्हीं कब्रिस्तान में फूंका गया तो जाएगा कहाँ? रहेगा तो यही। तो उसके बच्चे अगर किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, भगवान की आस्था के लिए जा रहे हैं, तो जाने के लिए कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार, ना आप ना मैं, कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ दंगई लोगों को रोका जा सकता है, जो लोग लड़ते हैं। लड़ने वाला कोई व्यक्ति दिखे हमारे पक्ष का या उनके पक्ष का, उसे उठा के एक तरफ करा जाए, कांवर इसी रास्ते निकाली जाए। हमारा प्रशासन साफ साफ उद्देश्य यही है, हाथ जोड़ के है। आप 100 को नहीं ले जाना चाहते, 50 को ले जाएं, 50 को नहीं ले जाना चाहते, 20 को ले जाएं, बशर्ते गाड़ी अगर इस रास्ते नहीं जाएगी तो रास्ता बंद करा जाए। सीधा सीधा मसला है। आप बस इसके अलावा ना कुछ कहेंगे ना प्रशासन है। हमने देखा कि यहाँ जोगी नवादा में कांवर ना निकल, हाँ